सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज की शुरुआत करवा दी थी, ठीक, तो उसका भाग एक करवा दिया था, तो आज हम भाग दूसरा लेकर चलते हैं। तो बने रहिए साथ हमारे, चलते हैं भाग दो की तरफ। देखिए, ये सवाल दे रखा है 80 का 30% बटे एक्स बराबर 24, तो एक्स का मान बताओ क्या होगा। तो कैसे करते हैं इसको, देखो, ये 80 का मतलब गुणा 30% है, तो 30/100, ठीक है, बटे एक्स बराबर 24, ठीक, इतना, ठीक है। देखो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, तो कितना हो गया, ऊपर हो गया तुम्हारा 8 + 3 = 24, यानी कि 24, नीचे एक का कोई बात ही नहीं, मत रखो, बटे एक्स बराबर 24, ठीक। इस एक्स का गुणा 24 में हो जाएगा तो कितना हो गया, 24x = 24, तो इधर लिख दें x = 24/24, 24 से 24 कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 1। ये क्या हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखो, ये सवाल दे रखा है अंडर रूट के अंदर 80 का 7.2% निकालना है, तो क्या करते हैं, देखो अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट है तो 80 का मतलब गुणा 7.2 को 72 लिख लो, ठीक, प्रतिशत है तो 10 तो इसका हो गया क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, तो ठीक, और 100% का हो गया, ठीक, तो कितना हो गया, 1000 हो गया ये, तो इसको इस तरीके से लिख दो कि 80 × 72/1000, ठीक, इतना हो गया। अब इसको देखो काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये इस तरीके से हो गया, ठीक। अब 8 का गुणा हम 72 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, बचा कितना हमारे पास, 1 × 8 = 56 और 1 = 57, 576/1000, ये अंडर रूट में, ठीक। 576 किसका, 576 का वर्गमूल क्या होता है, 24, यानी कि 24, ठीक, ये किसका होता है, 100 बचा ना, एक तो यहाँ से कट गया था, तो 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, अगर 10 का भाग हम 24 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राय, यदि एक्स का 40% का 40% बराबर 40 है तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक, तो क्या दे रहा है, एक्स का 40%, यहाँ लिख लो, एक्स का 40% यानी 40/100, फिर का दे रहा है, यानी कि गुणा, यानी 40%, यानी कि 40/100, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक। अब क्या दे रहा है, बराबर 40, तो एक्स का मान हमें निकालना है, ठीक, तो देखो, एक से एक जीरो, इससे ये जीरो, ठीक, तो कितना हो गया, 4 × 16, यानी कि 16x/100/40, ठीक, तो 16x/40 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000, तो x = 4000/16, ठीक है, तो 16 × 2 = 32, ठीक, बचा कितना, 8, और 16 × 5 = 80, कितना आया, 250, इस 16 से ये कट गया, यानी कि x = कितना आया, 250, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो ये पूछ रहा है कि 22.2% का 11% और 24.4% के 10% से कितना अधिक है, ठीक, ये वाला इससे कितना अधिक है, तो क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लो। देखो, ये है हमारे पास 22
ठीक, नीचे हमने इसका रख दिया 10, क्यों दशमलव लगा हुआ, दशमलव यहाँ से हटा दिया, गुणा का निशान 11/100, ठीक है। अधिक अगर पूछ रहा है कितना अधिक है तो घटा देंगे, माइनस लगा दो। अब इसको कर लो, यानी कि 244/10 गुणा 10/100, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह इसलिए आया, अगर तुमसे कोई पूछे कि 6/4 से कितना अधिक है, तो भाई 6 में से 4 घटाओगे जब भी तो 2 अधिक आएगा, इसीलिए, ठीक है, समझाने के तौर पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको इससे गुणा कर दो, 11 × 2 = 22, 22 का 2 बचा 2, 11 × 2 = 22, 22 और 2 = 24 का 4, ठीक, बचा 2, 11 × 2 = 22, 22 और 2 = 24, ठीक। नीचे क्या होगा, 10 का गुणा 100 में करेंगे तो 1000, ठीक, माइनस का चिन्ह। अब इसको कर दो, देखो 10 से 10 कट गया ये, ठीक है, तो कितना बचा, 244/100। अब 100 का हमने भाग दे दिया इसमें, तो कितना हो गया जी, 1000 का भाग जाएगा तो 2.442, माइनस इसका इसमें भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 2.4 और 4। अब इसको घटा दो, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, देखो इस तरीके से लिख लो, 2.44 और 2, दशमलव के बाद 4 और 4 है, ये 0, तो 2 0 0 दशमलव का ये, तो आंसर कितना आ गया इसका, 0.002, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो ये सवाल दे रखा है, यदि x का 10% बराबर y का 20% है, तो x अनुपात y का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो इसको निकाल लो, जो पूछे वैसे ही करते रहो। x का पूछा तो x गुणा 10% यानी कि 100 नीचे बराबर दे रखा है y का, तो y गुणा 20/100, ठीक, काट लो, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ठीक। तो ये कितना हो गया, x/10 बराबर ये कितना हो गया, 22/5, यानी कि x/22 बराबर कितना हो गया, 10/5, ठीक है। तो 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, तो पूछ रहा है x अनुपात y का मान तो क्या होगा, x कितना है हमारे पास 2 और अनुपात y कितना है 1, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखो ये सवाल दे रखा है y का x प्रतिशत बराबर ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह का y प्रतिशत, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह का मान बताओ, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया है, ठीक है, इसको हमने x मान नहीं सकते क्योंकि x y हमने इसमें ले रखा है, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह को हमने मान लिया p, ठीक, p मान के चलो इसको। अब निकाल लो इसको, देखो y का x/100 बराबर इसको हमने p मान लिया, तो p गुणा y/100 बराबर लगा हुआ है, तो 100 से ये 100 कट गया, ठीक है, और y से ये y कट गया, कितना बचा x, यानी कि p बराबर x, ये हो गया इसका आंसर। p की वैल्यू पूछी यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह की, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह हमारा क्या था, p, p बराबर x आ गया, ठीक है। तब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो इस तरीके का सवाल दे रखा हो, ये दे रखा है कि यदि y का 90% बराबर x हो, तो x का कितने प्रतिशत y है, मतलब यह y होगा, तो इसे निकाल लो। देखो y का मतलब गुणा 90% यानी कि 100 नीचे बराबर कितना दे रखा है x, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 9
बाई इसका गुणा इससे तो बराबर कितना हो गया 10 एक्स। ठीक, तो अब इसको ऐसे कर दो, बाई बराबर कितना दे रखा है 10, तो ये लिख दो बाई बटे एक्स बराबर यानी कि 10/9। ठीक, इतना आ गया। अब ये पूछ रहा एक्स का कितने प्रतिशत बाई है, यानी कि एक्स का कितने प्रतिशत बाई है। मैंने पिछले पहले सवाल करवा रखे हैं ना ऐसे, तो एक्स हमारा क्या है 9, यानी 9 इसी का तो पूछा है, तो एक्स हमारा 9 है और बाई हमारा 10 है, तो जिसके पीछे का वो नीचे 9 और 10 ऊपर 100। ठीक, ये क्या हो गया 1000/9। इसको हमने काटा 1 10 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 10 1। ठीक, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये रखा है यदि बाई का एक्स प्रतिशत बराबर 80/4/5 हो तो तब एक्स बाई का मान क्या होगा। ठीक, तो बड़ी ही आसानी से निकालेंगे इसको। देखो बाई बाई गुणा एक्स बटे 100 बराबर 80/4/5, क्यों का लिखा हुआ ना, तो देखो 16 पंजे ये कट गया 80 16 बार। ठीक, तो ये क्या हो गया, यानी कि एक्स का गुणा बाई में करेंगे तो एक्स बाई बटे 100 बराबर 16 चौक 64। ठीक है, 64 हो गया ये। तो हमें एक्स बाई का मान पूछ रहा था, तो हमारा क्या हो गया एक्स बाई बराबर 100 का गुणा इधर करेंगे बराबर लगा है तो कितना हो जाएगा 6400। तो ये आ गया हमारा आंसर एक्स बाई का मान। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न दे रखा है यदि एक्स का 8% बराबर बाई का 4% हो तो एक्स का 20% क्या होगा। ठीक, तो पहले निकाल लो एक्स का, एक्स गुणा 8/100 बराबर बाई गुणा 4/100। ठीक है, अब इसको ऐसे करके कर दो, देखो 100 से ये 100 कट गया क्योंकि बराबर लगा हुआ है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया 2x/y। ठीक, यानी तो क्या हो जाएगा x/y/2। ठीक है, इतना निकल कर आया एक्स का मान। अब ये पूछ रहा एक्स का 20% क्या होगा। ठीक है, तो एक्स का 20% पूछ रहा है। ठीक, तो एक्स हमारा क्या है बाई बटे 2 गुणा 20/100। ठीक, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, तो बाई हमारा कितना हो गया, बाई का गुणा एक में करेंगे तो बाई और नीचे करेंगे तो 10, तो ये क्या हो गया, यानी कि बाई का 10%, ये हो गया हमारा आंसर। अब कहोगे ये सर कैसे हो गया बाई बटे 10, ये कैसे लिख दिया, तो ये इसलिए, अब देखो इसको करके देखो, जैसे कि ये है बाई का 10%। ठीक, तो हमने ऐसे करके लिखा 10 एकम 10, 10 ढाई 100, एक का गुणा बाई में करेंगे तो बाई बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इस तरीके से हो तो बाई का 10% हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए ये कह रहा है यदि एक्स बाई से 6 गुना है, एक्स बाई से 6 गुना है तो बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है, यानी कि बाई से एक्स क्या है 6 गुना ज़्यादा है, मतलब तो ये 6x हो गया, बाई हमारा बचा। ठीक, यानी इससे जब ये 6x ज़्यादा है तो कितना कम है ये, यानी कि 5, यानी 5y और होता तो ये बढ़ जाता। ठीक, तो अब इसको कर दो, यानी कि यहाँ पे ये कर दो ऐसे करके 5/6 × 100। ठीक, ये कितना हो गया, ऊपर गुणा करोगे, मैंने पिछले करवा रखे हैं, आप देखना फर्स्ट क्लास में इसके भाग में इसी तरीके के सवाल हैं, तो 500/6, तो
तो कितना हो जाएगा, इसको हमने काट दिया दो से, ये कटा 250 बार और ये कटा 3 बार, तो ठीक, यानी कि 3×8=24 बचा 1, 3×3=9 और 1/3, ये इसका आंसर हो गया है। कितने प्रतिशत कम है, यानी 83 सही 1/3%। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखो ये सवाल दे रखा है, ये कह रहा है ए का 90% बराबर बी के 30% तथा बी बराबर ए का एक्स प्रतिशत है, तो एक्स का मान बताओ। तो इसको निकाल लेते हैं पहले हम, तो ए का 90% यानी कि 100, ठीक, बराबर बी का यानी बी गुणा 30/100, ठीक है, 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गया, 3×3=3 और 3×3=9, तो ये कितना आ गया, 3a=b, यानी कि a=b/3, ठीक है, ये आ गया। अब ये कह रहा था कि b बराबर, ठीक है, b बराबर a का x प्रतिशत, ठीक, यही तो निकलवा रहा था, x प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमने लिख दिया। देखो b बराबर एक का मान कितना दे रखा है, b/3 गुणा x/100, ठीक है, तो कितना हो गया, b बराबर ये हो गया bx/300, ठीक है, तो 300 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 300b=bx, देखो बराबर में b से b कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 300, ये हो गया इसका आंसर, x का मान भी निकल आया। अब चलते हैं अगले पे। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक, संख्या नहीं पता है, तो मान लो, माना कि संख्या बराबर x, ये कह रहा है किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा दो, तो x में से x का 40% हमने घटा दिया, ठीक है, तो बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 30 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, 10 से 10 कट गया, 2×2=4, 2×5=10, तो x माइनस, तो कितना हो गया, 2x/5, ठीक, बराबर दे रखा है 30, तो इसको, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक मान लो, यहाँ 5 हो गया, तो ये हो गया 5x-2x/30, ठीक है, तो 5x में से 2x गया, तो कितना बचा, 3x/5=30, ठीक है, और यहाँ कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 30 में कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 3x/5=150, तो x=150/3×5=15, तो कितना आ गया आंसर, x=50, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल दे रखा है किसी संख्या का 3/5 भाग संख्या के 40% से 40 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। देखो संख्या हमें पता नहीं है, तो माना कि संख्या बराबर x, ठीक, तो x का 3/5, ठीक है, फिर ये दे रखा है दूसरा संख्या के 40, तो संख्या के x का 40, ऐसे लिखो यार, 40/100, ठीक, इसको काट दो, तो पहले काट देते हैं, क्या करते हैं, 10 से 10, 2×2=4, 2×5=10, ठीक, ये कह रहा है 40 अधिक है, तो प्लस ये 40 और लगा लो इसके, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इधर 3x/5, ठीक है, और ये दे रखा है 3x बराबर
2x/5 + 40। ठीक, जब हम अब क्या करेंगे, इसको बराबर मिलाएंगे 40 को, तो कैसे करेंगे, 3x/5, ये प्लस इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो 2x/5 = ये हो जाएगा 40। ठीक, अब इसको कर लो, देखो कितना बचा, यानी कि 5। ठीक, 3x में से हर समान हो तो ऊपर की संख्याएं घट जाती हैं, अगर घटे माइनस का चिन्ह हो तो घटेंगी, प्लस का हो तो जुड़ेंगी, तो कितना हो गया, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, x = 40। तो x = कितना हो गया, 5 × 20 यानी कि 200, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की घटोत्तरी हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या होगा। तो संख्या माना कि संख्या बराबर x, ठीक, x में से 15 घटाने पर, x माइनस 15 घटाने पर कितने परसेंट की घटोत्तरी होती है संख्या में से, x का 80%। ठीक, इतना हो गया। अब इसको देखो, 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये कटा हमारा 4 बार और ये कटा हमारा 5 बार, तो कितना हो गया, x माइनस 15 बराबर 4x/5। ठीक है, अब इसको कर दो, देखो इसका गुणा इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा, 5x - 15 = 75 = 4x। ठीक है, तो 5x ये माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 75, तो कितना हो गया, x = 75। संख्या हमारी कितनी निकल गई, 75। अब ये कह रहा है कि संख्या का 40% क्या है, तो संख्या का x का 40% पूछ रहा क्या है। ठीक, लगा दो, तो x हमारा कितना है, 75 × 40/100। ठीक है, देखो 25 × 75 = 25 × 100, 4 × 2 = 40, यानी कि कितना है, 30%। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सॉरी, प्रतिशत नहीं, खाली प्रतिशत नहीं पूछ रहा ना, कि संख्या क्या है। ठीक है, अब चलते हैं अगले। अब देखो ये सवाल दे रखा है, प्रश्न है कि x का 165% = 110 × 5 - 220, तो हल कर लो। देखो कितना दे रखा है, x, x का 165% दे रखा है, तो नीचे 100 बराबर कितना दे रखा है, इसका 110 × 5 - 220। ठीक, तो ये कितना हो गया, 5 से काट लो, 5 × 3 = 15 × 5 × 3 = 15 × 2 = 10, यानी कितना हो गया, 33x/20 = 5 × 0 में करेंगे तो 0, फिर 1 में करेंगे तो 5, 5 × 1 = 5 - 220, तो कितना हो गया, 33x/20 = 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3। ठीक है, अब 33x = 2 0 हैं, 2 × 3 = 6 × 2 = 6, तो x = कितना हो गया, 6600/33। ठीक, तो x = कितना आ गया, 33 × 66, तो x = कितना आ गया, 200, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर दिक्कत होती है इतने में, तो अब इसका जो बचा हुआ है वो हम कल करवाएंगे। और साथियों आपसे अनुरोध है कि देखिए, मैं आपको पूरी यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की पूरी पढ़ाई यहाँ पे करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री, इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, मेरी सारी वीडियो यूट्यूब पे ही अपलोड हुआ करेंगी। तो ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों को जोड़ें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।